कैलकुलेशन के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है कि भाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ दीज नंबर प्लस ए बी। मल्टीप्लाई तो वैसे भी कर सकते हो लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला यहाँ से हम स्टार्ट करें। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी, कैलकुलेशन में बहुत काम आ सकता है। ये हमारे पास। तीसरा हमारे पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस टू ए बी को इधर ले आए तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो टर्म यहाँ है ये ए बी है, तो यहाँ उसका होल स्क्वायर होना है और यहाँ उसके प्रोडक्ट का ट्वाइस आना है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी आपसे कहेगा कि कभी कभी आपसे कहेगा व्हाट इज ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ए की पावर 4 और बी की पावर 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर होता है एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर यहाँ इनका स्क्वायर है तो वो यहाँ होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूले हमें आते होंगे तभी आप देखोगे वैल्यूज कितनी आसान हो जाएंगी निकालना। और फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ ट्वाइस आ जाता है, तो फिर आपके पास ट्वाइस आ जाएगा। ये जो ट्वाइस आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास ट्वाइस आ जाएगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप जो है फॉर्मूले निकाल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यहाँ से भी आप ए स्क्वायर का माइनस के साथ भी हम निकाल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और प्लस के साथ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के साथ लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए। इस बार अगर आप इसको यहाँ इधर लाएंगे तो ये माइनस की जगह प्लस होगा, तो यही दोनों में डिफरेंस है। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा ध्यान से देख लीजिए, वो मैंने लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए। ये दोनों में डिफरेंस है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में, यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये भी है। बट यहाँ ध्यान रखना है कि आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले रहे हो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस का ले रहे हो ध्यान से देख लीजिए, अगर ये माइनस है तो फिर ये प्लस है और अगर ये प्लस है तो ये माइनस है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इससे भी हम अब एक फॉर्मूला और देख लीजिए। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, या इसी से मैं अगर ड्राइव करूं कि भाई ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से भी वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए।
अब इस 2ab को अगर आप इधर लाएंगे या अगर इस 2ab को आप इधर लाएंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी में रिलेशन बन के आता है। मतलब आप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सिर्फ आपके लिख उम्मीद तो ये मैं आपको भेज नहीं पाया, ठीक है, 2 दिन में ऐसे ही रहा कुछ, तो आपको सर वो भेजा नहीं फॉर्मूला वाला और आपने कहीं ढूंढे नहीं। लेकिन जब तक आंखों के सामने से ना निकले और कानों में ना घुसे, कानों में ना सुने हम, तब तक हमारी जहन में नहीं पहुंचती। तो इसलिए मैंने कहा एक बार नजरों के सामने से आ जाए ये फॉर्मूले और फिर इस पर क्वेश्चन देखना कितने ईजी हो। और मैंने आपसे कहा जॉब वाले फॉर्म भी आप लोग की भरते रहे, तो बहुत काम आएंगे इंटरव्यूज में भी दूसरे में। तो खैर हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कभी कभी क्या होता है, हमें a माइनस बी दिया होता है और ए बी दिया होता है, तो हम इस फॉर्मूले से a प्लस बी निकाल सकते हैं। और इसका उल्टा, अगर a प्लस बी और ए बी दिया हो तो a माइनस बी निकाल सकते विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमने इसको इधर किया होता, हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली होती, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a। ये हमारे पास, तो इस तरह से हम फॉर्मूले ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो आते हैं वो a प्लस बी का क्यूब आता है, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब बी क्यूब 3ab, ठीक है। ये दो तरीके से हम लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिए a प्लस बी, एक तो ये तरीका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, या फिर इसकी फुल एक्सपेंडेड फॉर्म जो होती है वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab². ये हमारे पास फॉर्म है a प्लस बी का होल। अब इसी से अगर मैं आपसे बात करूं, तो फिर हमारे पास यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाती है, चाहे इस फॉर्मूले से ले लीजिए चाहे इससे। तो अगर हम पहले ऊपर वाले से ही लें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमारे पास a प्लस बी क्यूब रहेगा। हम इस वाले फॉर्मूले की बात करें, ठीक है सर, इस वाले फॉर्मूले से तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब लिया, बाकी सब को इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर कभी वैल्यू निकालनी होगी तो इससे फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछेगा हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, तो सिर्फ आपको ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए, दो चीजों का काम चल जाएगा। मतलब ए प्लस बी यहाँ पे भी यूज करना है और ए बी, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, कभी कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइज फॉर्म में भी कर सकते हैं। फैक्टराइज फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से जो a प्लस बी है इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो इससे फॉर्मूला ही ड्राइव होगा, या तो मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन आप ड्राइव भी करना सीख लो। चलो a प्लस बी आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और माइनस 3ab, तो माइनस ए बी बचेगा। मैं एक लाइन थोड़ा सा नहीं लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये फैक्टराइज फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फैक्टराइजेशन। अगर कभी कभी हमें ए क्यूब बी क्यूब का फैक्टराइजेशन चाहिएगा तो हम ये करें,
सेम वे हम ए माइनस बी का होल क्यूब निकाल सकते हैं, ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा। अब यहां से भी हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ले सकते हैं, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी ए माइनस बी का होल क्यूब, यहां से देखिए प्लस हो जाएगा तो थ्री ए बी ए माइनस बी। एक तो ये फॉर्म हो गया ए माइनस बी और ए बी की फॉर्म में, और एक फॉर्म फैक्टराइजेशन फॉर्म। फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, नॉट माइनस प्लस ए। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले को देख लीजिए जो स्पेशली फैक्टराइजेशन फॉर्म के लिए है। ये है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये तो ए माइनस बी आता है, लेकिन बाकी सारे टर्म प्लस में आते हैं। ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो प्लस में ही आने आते हैं, लेकिन यहाँ ए बी भी प्लस में आएगा। लेकिन जो हमने ऊपर लिखा था ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें हमारे पास क्या था, ए प्लस बी था। तो यही ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ये वाला ब्रैकेट अगर माइनस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, और अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और फिर आपके पास ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट क्या आता है, ब्रैकेट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस के साथ माइनस आता है, माइनस के साथ प्लस। तो ये हमारे पास है क्यूब के फॉर्म, और एक हमारे पास दो फॉर्मूले और छोटे छोटे से, फिर क्वेश्चन देखते हैं छोटे से। हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। यहाँ तक तो बात सही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है तो ध्यान से देख लीजिए ए स्क्वायर भी आना है, बी स्क्वायर भी आना है, सी स्क्वायर भी आना है, टू ए बी आना है, टू बी सी आना है, टू सी आना है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे गड़बड़ होता है, फॉर्मूला कहाँ पे गड़बड़ होता है, अगर आपके पास इसमें से किसी एक को माइनस कर दे या अगर इसमें से किसी दो को माइनस कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अच्छा ये है कि आप ये पहला वाला ही फॉर्मूला रखें याद, सिर्फ क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, और उसमें ए बी सी को माइनस में रख दें तो जो भी फाइनली आंसर आएगा वो आ जाए। जैसा अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारे पास ये दे दिया ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ए बी सी को अगर प्लस माइनस दिया है तो वो रखते चले जाएंगे, तो जो भी फाइनली आंसर आएगा आ जाएगा। मतलब ए तो हमारा प्लस का है तो प्लस में रख दीजिए, बी भी हमारा प्लस का है प्लस में रख दीजिए, लेकिन सी हमारा माइनस का है तो माइनस में। ए बी प्लस में है कोई बात नहीं, बी प्लस में है लेकिन सी माइनस में है, इसी तरह से सी माइनस में है ए प्लस में। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी। फॉर्मूले के एक्सपेंशन से भी पता चल जाता है कौन सी टर्म माइनस में। यहाँ अगर आप देखेंगे जहां जहां सी आ रहा है वहां वहां वाली टर्म माइनस में, तो इसका मतलब हमारा जो सी है सिर्फ वो ही माइनस है, ये भी हमें समझ। और लास्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये हमारे पास इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये हमारे पास। इसमें क्या करना है, ध्यान रखिए कि अगर कभी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, कभी भी अगर आपसे देखें कि ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, तो ध्यान से देख लीजिए अगर ये जीरो होगा और जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फाइनल आंसर जो होगा वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब
क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो थ्री ए बी सी इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी। तो सर ये हमारे पास चलिए इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, पहले देखते हैं उससे कुछ थोड़ा सा आपका दिल भी लगेगा जो क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास क्या कह रहा है,